एमन, तुम समझ नहीं रही हो, मुझ में अब हर किस इतना हौसला नहीं है। पहले भी मैंने हिम्मत की थी और उसके नतीजे भी देख चुकी हूँ। अब मैं दोबारा वैसी हिम्मत नहीं कर सकती। मैं मानती हूँ भाभी, मगर इस वक्त भाई को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैंने मजबूर होकर आपको कॉल की है। वो तो अब मेरी शक्ल भी नहीं देखते, बल्कि तब से उन्होंने एहसन को भी नहीं देखा। भाभी भाई टूट चुके हैं। मैं चाहकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकती, बल्कि मेरी मौजूदगी तो भाई को मजीद तकलीफ पहुंचाती है। प्लीज भाभी, मेरे भाई को बचा लें। एमन, बात को समझो। वकार ने मुझे यहाँ आके जो कुछ कहा है, मैं वो सब दोहराना भी नहीं चाहती। उन्हें लगता है कि मैं धोखेबाज हूँ। अच्छा ठीक है भाभी, अगर आप नहीं आ सकती तो फिर मैं एहसन को लेके वहां आपके पास आ जाती हूँ। नहीं, ऐसा तो मत करना। अम्मी जान को तुम्हारी बहुत जरूरत है, उन्हें अकेला मत छोड़ना। एमन, मैं जानता हूं बेटा, तुम किस तकलीफ से गुजर रहे। एक लम्हे को सोचो, तुम्हारी मां, बहन और विरसा कितने अरसे से इस तकलीफ को अपने सीने में छुपाए बैठी थी। वो सब अंदर ही अंदर सुलगती रही कि हमें इस दुख का सामना न करना पड़े। इस तरह ये कोई छुपाने वाली बात थी क्या? चले अम्मी और एमन का तो समझ आते, लेकिन वो विरसा, वो तो मुझे बता सकती थी। यही तो अजमत है उस लड़की की, ये उसकी बढ़ाई है बेटा, कि वो बता सकती थी लेकिन उसने नहीं बताया। और फिर तुमने अपने और उसके रिश्ते को इस मकाम तक आने ही कब दिया है कि वो अपने दुख सुख तुमसे शेयर कर सके। तुमने तो उसे कभी इस काबिल ही नहीं समझा। क्या कहूं मैं तुम्हें, ये गलती, ये गुनाह तो मुझसे सरजद होता रहा। वो कुदरत का एक इनाम है जो तुम्हें किसी नेकी का सिला मिला है बेटा। मां और बहन को माफ कर देना कौन सी बड़ी बात है। मजा तो तब है बेटा जब तुम विरसा के लिए अपने दिल को साफ कर लो। उसने ये सब इस घर की भलाई और इज्जत के लिए किया है।